पेश है स्काई वैली टीएमसी प्रोजेक्ट बाय दिनार डेवलपर महारेरा अप्रूव। इसमें 1 बीएचके 2 बीएचके और जोड़ी फ्लैट का भी कॉन्सेप्ट है जो 1 एकड़ 7 स्टोरी 6 टावर में बना है विच बिग कारपेट एरिया वो भी मार्केट के करीब। एमिनिटीज में 14,000 स्क्वायर फीट का गार्डन, क्लब हाउस, जिम, जॉगर्स पार्क, पावर योगा, कम्युनिटी हॉल, इंडोर गेम्स, 500 मीटर के रेडियस पर स्कूल और हॉस्पिटल, साथ ही 24 घंटे सिक्योरिटी, पावर लिफ्ट के साथ स्टील पार्किंग, इजी बैंक लोन अवेलेबल। स्पेशल ऑफर 3.5 लाख भरिए और 3 साल तक नो EMI। स्काई वैली आपका नया घर, आपका नया सपना। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। अपने ही बेटी की हत्या के मामले में मुंब्रा पुलिस ने जाहिद शेख 38 साल और नूरानी शेख 28 साल को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने अपनी ही 18 महीने की बेटी लबीबा शेख की हत्या की। पुलिस के सामने दोनों ने बताया है कि उनके 5 बच्चे हैं और आखिरी के 2 बच्चों को वो पालना नहीं चाहते थे और इसी वजह से बच्ची के सिर में, जो 18 महीने की बच्ची थी, उसके सिर में इन लोगों ने हमला किया जिससे उसकी मौत हो गई और उसे MMOLI कब्रिस्तान में दफन भी कर दिया था। मगर मुंब्रा पुलिस को एक गुमनाम पत्र मिला जिसमें मृतक लड़की की तस्वीर भी थी। बताया गया कि लड़की की हत्या कर दी गई है और उसे MMOLI कब्रिस्तान में दफन किया गया है। पुलिस ने गहनता से इस पत्र के अनुसार जांच शुरू की और मामले का खुलासा भी होने लगा। MMOLI कब्रिस्तान में जो शव बच्ची का दफन किया गया था, कब्र खोदकर पुलिस ने उस लाश को बाहर निकाला और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कब्रिस्तान में जमा दस्तावेजों के अनुसार पुलिस ने बच्ची के पिता शाहिद शेख और मां नूरानी शेख को गिरफ्तार कर लिया। पहले तो दोनों ने लबीबा की मौत पर पुलिस को झांसा देने की कोशिश की, तंत्र मंत्र का चक्कर बताया, मगर जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों ने ही अपना जुर्म कबूल कर लिया। बताया जा रहा है कि शाहिद शेख, नूरानी शेख, ये लोग दोनों अपने बच्चों के साथ में मुंब्रा के शिवाजी नगर में रहते थे और मूल रूप से ये झारखंड के रहने वाले हैं। पुलिस को दोनों ने बताया कि उनके 5 बच्चे थे और 5 बच्चों में से जो आखिरी के 2 बच्चे हैं, उन दोनों को वो पालना नहीं चाहते थे और इसी वजह से 18 महीने की जो लबीबा थी उसके सर पे इन लोगों ने धारदार चीज से वार किया और जब उसे काफ़ी खून बहने लगा तो ये लोग एक निजी अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने उसे भर्ती करने के लिए कहा लेकिन इन्होंने भर्ती नहीं किया, जिस बाद डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे रेफर कर दिया था। उसके बाद ये लोग बच्ची को दूसरे अस्पताल लेकर गए लेकिन बताया जा रहा है कि बच्ची की वहाँ मौत हो गई और उसके बाद इन लोगों ने अस्पताल से डेथ सर्टिफिकेट लेकर 18 मार्च की आधी रात को MMOLI के कब्रिस्तान में लबीबा के शव को दफन कर दिया था। लेकिन पुलिस ने अब हत्या के मामले में पिता जाहिद शेख और मां नूरानी शेख को गिरफ्तार कर लिया है और उनके जो 4 बच्चे थे, पुलिस ने उन 4 बच्चों को बाल सुधार गृह भी भेज दिया है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस उपायुक्त उत्तम उतेकर ने क्या कुछ जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। 18 महीने की बच्ची को घेरे में से मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन बताया जा रहा था कि उसके ऊपर भूत प्रेत का साया था जिसके वजह से उसकी जो उसकी आग मारा था वो उसके ऊपर हत्या करते थे, ऐसा मात्र है। और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही थी? पहले तो हमारे पास जो एप्लीकेशन मिली थी उसमें भी ये भूत प्रेत के हिसाब से वो एंगल से ही उनको मारा गया है ऐसा हमको एप्लीकेशन मिला था। जिसने एप्लीकेशन किया था संतोष महादेवकर के नाम लिखा था, शिवाजी नगर मुंब्रा का एड्रेस डाला था, हमने वहाँ पर जाके ढूंढा लेकिन वह आमका पते का आदमी मिला नहीं। वो उन्होंने ऐसा बेनामी अर्जी किया था लेकिन ये एप्लीकेशन में जो बात लिखी गई थी वो सीरियस थी, इसलिए हम लोगों ने सीरियसली लेके उसमें इंक्वायरी की और वो जो घटना बताई गई थी उसमें से हमने ढूंढ के निकाला तो ये घटना सच निकली कि वो जो 18 महीने की लड़की थी उसको उसके माँ बाप ने मारा था। लेकिन उसमें ये इंक्वायरी में ये एंगल निकला कि भूत प्रेत का एंगल नहीं निकला, ताकि उसमें उनको 5 बच्चे थे, पहले 2 लड़के हैं बाद में 3 लड़कियां हैं, लास्ट की 2 जो लड़कियां हैं
वो उनको उनसे संभाली नहीं जाएगी करके उन्होंने उनको मारने के लिए प्रयास किया था। और ये जो मर गई लड़की, उससे बड़ी लड़की एक है हबीबा नाम की, जो लड़की है 3.5-4 साल की, उसके ऊपर भी उन्होंने ऐसे इंजरीज वगैरह किए थे जिसके लिए उसके ऊपर केस भी रजिस्टर हो चुका है। दोनों माँ बाप जो है स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर माने जाते हैं, क्योंकि पिताजी जो है इस्लाम से पढ़े हुए, माँ भी इस्लाम से पढ़ी हुई, जिस तरीके से दोनों, तो क्या इसमें एंगल समझ नजर आया? क्योंकि हॉस्पिटल में जिस दौरान निकली उस दौरान भी हॉस्पिटल वाले ने भी जो है कोई कंप्लेंट नहीं किया था, माँ ने जो बच्चे को उठाकर डायरेक्ट कब्रिस्तान में जिस तरीके से लेती है, तो किस तरीके से एंगल पूरा समझ, क्योंकि महीने भर से आपके जो जाँच एजेंसी इसके अंदर जुड़ी हुई थी, किस तरीके से ग्लू मिला इसके अंदर? यहाँ पर उनका बैकग्राउंड देखा जाए तो एजुकेटेड बैकग्राउंड नहीं है, बाकी उन्होंने मदरसे में शिक्षा ली है, माँ ने तो कोई स्कूल गई नहीं, लेकिन जो बाप है उसने तो दूसरी तक पढ़ा है, बाद में उसने मदरसे में शिक्षा ली है, और बाकी तो उनका पुअर बैकग्राउंड है, पुअर बैकग्राउंड की वजह से वो कुछ प्रोग्राम करके जो मिलेगा वो काम करके गुजारा करते थे, और वो हिसाब से वो बच्चों को नहीं पाल पाएंगे, वो हिसाब से उन्होंने ये काम किया है। सर ये जो केस को उस टाइम पे जब जांच चालू हुई, जब ये एलिगेशन आई थी, एलिगेशन जो थी वो भी फेक मानी जा रही है, उसके अलावा जब ये माँ बाप को पकड़ा गया तो माँ के अंक पर कुछ आता है या बाप के अंक पर कुछ आता है, ऐसा भी इसको रोक दिया गया था? नहीं समझा, नहीं सवाल। माँ के अंदर कोई कब्ज या कुछ आता है और उस वजह से वो बच्चों को घायल करती है, ऐसा भी एंगल इस केस में दिखाई दे रहा था? कंप्लेंट तो वही एंगल से प्राप्त हुई थी, हमने वो एंगल से भी ढूंढा, क्योंकि वो एंगल हमको ढूंढना जरूरी था कि जो डेंजरस एंगल है, लेकिन वैसा वो एंगल से कुछ ऐसा एविडेंस या तो कोई ये नहीं मिला, इसलिए वो एंगल नहीं लगाया। सर ये बच्चों को घायल करा जा रहा था और जिससे ये बच्ची जो थी पहले मैकपॉट में जो एडमिट करने लेके गए तो उसके सर पे काफी वार थे और वो मतलब कोई चोट के निशान नहीं दिख रहे, और जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया है उन्होंने भी मतलब ये उनके पेपर में कह रहे हैं ये हमने लिख दिया था, इसे पुलिस में MLC भेजना चाहिए, मगर हॉस्पिटल वालों ने भेजा और उसके बाद में बच्ची की वहाँ ट्रीटमेंट के दौरान फिट आने से डेथ हो गई, और फिर उन लोगों को MLC दे दी गई और बच्ची को दफनाया गया, और फिर आप लोगों ने अपनी इंक्वायरी में रिटर्न लिखा और उसमें एक रूप ये भी दिया था बच्ची के साथ कुछ बाप ने गलत भी किया है, ऐसा कुछ मतलब आपकी जांच में आया है क्या? नहीं, वो हमने हमको वो एंगल से भी इंक्वायरी का इन्वेस्टिगेशन करना तक कर लिया है, गलत जो किया है बोल रहे वो उसका कोई एविडेंस नहीं मिला है, पोस्टमार्टम में हमने थ्योरी डॉक्टर को पूछी थी तो वो एंगल नहीं है। सर ये बोलवाड़े में भी ये इनके ऊपर केस दाखिल हुआ था 326, तो वो क्यों दाखिल हुआ था और वो उसका रीजन क्या था? वो एक कपल में उनकी जो सेकेंड लास्ट लड़की थी उसको झारखंड में उसकी जीप उन्होंने बीच में से काट दी थी और चेहरे पे उनके उसके उन्होंने स्टैब किया था, इंजरीज की थी, तो वो ट्रीटमेंट के लिए वो केएम हॉस्पिटल बॉम्बे में आए थे, जो कि कानूनी कार्रवाई है कि उन्होंने MLC करना चाहिए, तो केएम हॉस्पिटल में MLC लोकल पुलिस स्टेशन भोईवाड़ा में की, तो भोईवाड़ा ने वो उसमें गुना दाखिल करके जहाँ पे घटना हुई थी झारखंड में वहीं पर वो केस भेज दी गई है। सर आपके सवाल, जिस तरीके से माँ बाप ऐसे बच्चों के ऊपर अगर वारदात करते हैं तो आपके माध्यम से माँ बाप को क्या आह्वान रहेगा, क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? जिस तरीके से केस में जो है लगातार आरोप हो रहे थे कि जिस तरीके से माँ और बाप ने मिलकर जो बच्ची कट कर दी, इसमें ये तो ये कहना पड़ेगा कि अगर चलो मान ले कि गरीब है बच्चों को संभाल नहीं पाते, लेकिन गवर्नमेंट ने इतनी सारी फैसिलिटी, इतनी सारी स्कीम्स है जहाँ पर ये बच्चों को ये कर सकते हैं, रख सकते हैं, बच्चों में चिल्ड्रन होम है वहाँ पर उनको एजुकेशन दिया जाता है, उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सिखाया जाता है, कोई धंधा काम धंधा सिखाया जाता है, बहुत सारी स्कीम्स है वो करना चाहिए। अब ये मामले में दोनों माँ बाप अंदर है तो उनके 3 बच्चे हैं, वो भी कुछ 8 साल 5 साल 4 बच्चे हैं, तो उन्हें उनको हमने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रोड्यूस किया और वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उनका ख्याल रख रही है, वो अच्छे वहाँ पर खुश है अभी। पीसी उनकी 15 तारीख तक थी फर्स्ट अरेस्ट से, आज उनकी पीसी 18 तारीख तक बढ़ाई दी गई है।